हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं खट्टी मीठी आम की चटनी बनाने जा रही हूँ। हमारे यहाँ खट मीठी बोलते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। दो बड़े साइज का आम लिया है मैंने और इसे मैं छील लेती हूँ। छील कर धो ली हूँ अच्छे से और इसे अपने शेप में काट ले सकते हैं, बड़ा या छोटा। मैं थोड़ा यहाँ बड़ा शेप काट रही हूँ। और अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने आम को काट लिया है और एक फ़ोरन डालने के लिए जीरा और दो लाल मिर्च और एक तेज पत्ता है और एक काली मिर्च है। इसे मैं कूट लेती हूँ अच्छे से बारीक। और गैस पे कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें मैं फ़ोरन डालने के लिए डाल देती हूँ। और उसके बाद मैं आम डाल देती हूँ। आम को हल्का सा भूंजना है, इसमें फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का सा ही करेंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं। ये हमारा अपना तरीका है बनाने का। अब इसमें मैं गुड़ डाल रही हूँ, आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं, पर मैं गुड़ डाल रही हूँ। मेरे घर गुड़ वाले ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इसमें पानी डाल देते हैं और अच्छे से आप जितना रखना चाहते हैं पानी उतना रख सकते हैं। और इसमें काली मिर्च मैंने कूटा था वो डाल देती हूँ। और इसमें जो खट्टी मीठी स्वाद लाना है उसके लिए मैं नमक डाल रही हूँ, मैं नमक डालती हूँ। अब इस खट्टी मीठी चटनी में मुझे अब कुछ नहीं डालना है, बस इसे गलने तक पकाना है। और इसे अच्छे से गल जाए, ये देखिए अच्छे से उबाल आ गया है और इसे अभी पका नहीं है, इसे और ढककर पकाती हूँ। इसको पकाने के लिए टोटल 10 मिनट मुझे लगा है मीडियम फ्लेम पर। और ये देखिए अच्छे से पक गया है। अब इसे मैं प्लेट में निकाल कर सर्व करती हूँ। ये आप पराठा के साथ खा सकते हैं। आम का सीज़न है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लॉकडाउन भी चल रहा है और थोड़ा टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, खट्टा मीठा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।